हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि गाय का घी अगर आप अपने नाक में एक एक बूंद रात को डालते हैं तो इसको डालने मात्र से आपको बहुत बड़ी बड़ी भयंकर 10 बीमारियां ऐसे बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी, जिसको जान करके आप बिल्कुल आश्चर्य हो जाएंगे। और ये जो नुस्खा है, जो बताया है, वो है हमारे परम पूजनीय स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी। उन्होंने इसको बताया था और हम लोगों ने अपने औषधालय में बहुत लोगों पर इसका टेस्ट किया, देखा, और जो एक्चुअल रिजल्ट मिला वही लेकर के मैं आप लोगों के सामने आता हूं और उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो आपको भी जानना है कि इससे कौन कौन से रोग दूर हो सकते हैं, तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा रोग हो सकता है कि आपके जानने वालों के बीच में हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर के बीच में हो सकता है, जो कि बिल्कुल आसान तरीकों से सही हो सकता है, तो आप चूक जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको रहे, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने वाला हूं जो आपके जीवन को बहुत ही स्वस्थ और खुशहाल बना करके रखने में मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। तो हमारा टॉपिक एक्चुअली ये है कि गाय का घी हमें नाक में डालना है। कब डालना है? रात में जब आप सोने जाएंगे। तो कैसे डालना है कि आप इस घी को थोड़ा सा पहले गर्म करें। गरम करने के बाद जब ये नॉर्मल हो जाता है तो आप जो है, कोई ड्रॉप आपके पास है तो ड्रॉप से चाहे जैसे भी आप डाल सकते हैं, एक एक बूंद नाक में डालिए और उसको खींच लीजिए। अब हम बात करते हैं इससे क्या क्या बीमारियां सही हो सकती हैं। बहुत सालों से आ रहा आपके सर का दर्द, माइग्रेन पेन, जो आधे सर के दर्द से काफी हमारी माताएं बहनें परेशान रहती हैं, काफी बच्चे भी परेशान रहते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं, आंखें कमजोर है, चश्मा लगाना पड़ता है, नहीं तो उन लोगों के सर में दर्द होता है। ये सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आप ये प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखें कैसे करना है, जो मैंने बताया वैसे ही करना है। रात को जब आप सोने जाएंगे उस वक्त आप इसको डाल करके सो जाएंगे। इससे अगर अनिद्रा की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी, यानी कि नाक में डालने के बाद जब आप सोएंगे तो आपको एक अच्छी नींद आएगी। उसके बाद नकसीर की प्रॉब्लम, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी दवाइयां करा लिए हैं लेकिन उनका नकसीर ठीक ही नहीं होता। दवा कराते हैं, काम करता है, सही हो जाता है, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद देखते हैं तो फिर दोबारा से वो ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आप इसका यूज करते हैं तो ये नकसीर की प्रॉब्लम जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा और नाक से खून आना बिल्कुल भी 100% बंद हो जाएगा। उसके बाद कुछ लोगों को बहुत ज्यादा छींक आती है, एलर्जीज होती है, बहुत तरह तरह की एलर्जीज होती है, तो अगर छींक आने की प्रॉब्लम है तो आप इसको नाक में डालें। छींक आने लगी भी, बहुत ज्यादा छींक आने लग गई, रुक नहीं रही है, तो आप इसको एक एक बूंद नाक में डालें, बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। इसनोफिलिया, बच्चे परेशान रहते हैं, ये अगर जिनके अंदर हो जाते हैं वो उम्र चल रहा होता है, बहुत लंबे उम्र तक ये सही नहीं होता है, लोग दवा करा करा करके परेशान हो जाते हैं। दवा कराएंगे सही होगा, फिर दोबारा हो जाएगा, दवा कराएंगे सही होगा, फिर दोबारा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये प्रयोग कराते हैं, हम लोगों ने करा करके देखा है अपने पेशेंट के अंदर, ये बिल्कुल 100% इसका जो है रिजल्ट है। आप इसको यूज करते हैं तो इसनोफिलिया आपका बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मैं घी के बारे में बात कर रहा हूं, अगर वो पुराना हो, 2 साल 4 साल 10 साल अगर पुराना हो तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है। और वो घी देसी गाय का ही होना चाहिए, आप गांव से मंगा सकते हैं। अगर कोई गांव में रहता है, शहर में आप हैं, कोई गांव में जाता है तो आप मंगा सकते हैं। फिर भी मैं ऑनलाइन कोशिश करूंगा कि बेहतर जो है गाय का घी कौन सा मिल सकता है जिसको कि आप इस टाइप के रोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं नाक में डालने के लिए। मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से बाय भी कर सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली जरूर होगा लेकिन इस टाइप का अगर रोग है तो आप इस टाइप के रोगों के लिए लाखों रुपए खर्च कर डालते हैं, मात्र एक जो है गाय के देसी घी से सही हो सकता है। और 1 किलो अगर आप मंगा लेते हैं तो सालों साल चलेगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है साइनस की प्रॉब्लम है, बिल्कुल जड़ से खत्म करेगा। नींद नहीं आने की प्रॉब्लम, जो कि मैंने बताया ही, बिल्कुल अच्छी नींद आएगी आपको। ब्रेन हैमरेज हो गया है, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये जबरदस्त काम करता है। किसी भी प्रकार का नस की प्रॉब्लम हो गई है ब्रेन के अंदर, ब्रेन काम करना बंद कर रहा है, ऐसा आपको लगता है, कई बार चक्कर से आते हैं,
थोड़ा सा कुछ अजीब सा हो जाता है, जो प्रेजेंट टाइम में हो रही चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं, याद थोड़े देर पहले ही आपने ऐसा क्या किया वो आपको जल्दी याद नहीं आ रहा है, इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो मात्र एक एक बूंद घी जो है आपके नाक में डालने मात्र से ही ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जिन व्यक्ति को मिर्गी आती है, बहुत ही आश्चर्य हो रहा होगा सुनने में, लेकिन ये प्रयोग करके देखा गया है, जिनको मिर्गी आती है, कितना भी पुराना मिर्गी आ रही हो, एक्चुअली राजीव दीक्षित जी के स्वभाव में भी ये देखा गया, रिजल्ट देखा गया, बहुत लोग जिनको 20-20 साल से मिर्गी आ रही थी वो लोग भी ठीक होते हुए नजर आए, लेकिन हम लोग अपने गांव में भी इसका प्रयोग हम लोगों ने किया कुछ लोगों पर, जो कि बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकल करके आया। लेकिन जिनको मिर्गी है इसको कम से कम लगातार आपको 1 साल तक प्रयोग करना है, जब 1 साल प्रयोग कर देंगे तो जो मिर्गी आ रही थी 100% इसका निदान हो जाएगा। उसके बाद है पैरालिसिस, लकवा जिनको मार दिया है, किसी भी अंग से लकवा मार दिया है, तो गाय का देसी घी उनको पिलाना भी है और सबसे जबरदस्त इफेक्ट आएगा जब आप उनके नाक में डालेंगे, एक एक बूंद गर्म करके, यानी कि नॉर्मल हो जाए सहने के बराबर, और जब नाक में डालेंगे तो ब्रेन हैमरेज से कई बार हमारा मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है, तो वो जो है उसको सही करने में इसका बहुत ही जबरदस्त योगदान होगा, और ये सालों तक आपको चलाना होगा, आप देखेंगे कि पैरालिसिस में बहुत ही आपको जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है। याददाश्त, जिन बच्चों का याददाश्त कमजोर हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया बच्चों को पढ़ा लिखा याद नहीं रहता, तो परमानेंटली जब भी वो सोने जाते हैं आप जो उनके नाक में डाल दिया कीजिए और उनको सो जाने दीजिए, कि तसल्ली से सोएंगे और उनके याददाश्त, उनके ब्रेन का विकास होगा प्रॉपर तरीके से और उनकी याददाश्त धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नाक का कैंसर इतना जबरदस्त काम करता है ये, कि नाक के कैंसर तक को ये ठीक कर देता है। तो अगर इस टाइप की सारी प्रॉब्लम्स है तो ये बहुत ही घरेलू उपचार है, आप जो है बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो आपके जानने में भी अगर कोई इस टाइप का परेशान है तो आप उनको सलाह भी दे सकते हैं, आपको दुआ ही देगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री का है, आप किसी को भी सलाह देंगे तो आपको दुआ मिलेगी जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताते रहें, हम लोगों का हौसला बढ़ता है, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और दवाओं से दूर होने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन का वास होता है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।